जॉर्ज पंचम की नाक, इसके हम आज प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह किस मानसिकता को दर्शाती है? इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाम से चिंतित हैं जिसने न जाने कितने ही कहर ढाए, उसके अत्याचारों को याद न कर उसके सम्मान में जुट जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता, चाटुकारिकता को दर्शाता है। सेकंड क्वेश्चन है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तक संगत ठहराएंगे? उत्तर है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण रानी की वेशभूषा थी। दर्जी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेंगी। दर्जी की परेशानी तर्कसंगत थी, यह इसलिए क्योंकि रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अर्थात उनके कपड़ों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि उससे कोई चूक हो जाती तो उसे रानी के क्रोध का सामना करना पड़ता। तीसरा प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा, नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? उत्तर है, दिल्ली के काया पलटने के लिए पर्यटक स्थलों का उद्धार किया गया होगा, दिल्ली की खस्ता हो चुकी सड़कों का पुनरुद्धार किया गया होगा, पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होंगी, उन दिनों पानी या बिजली की समस्याएं ना उत्पन्न हो उसके लिए कारगर कार्य किए गए होंगे, आतंकवादी घटनाएं या फिर इंग्लैंड विरोधी कार्यवाही या धरने ना हो उसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए होंगे। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं बताइए? उत्तर है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा है, यह न केवल अनावश्यक है बल्कि समाज की उन्नति में बाधक भी है। यह एक निम्न स्तर की भटकी हुई पत्रकारिता है। पत्रकारिता लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है जो समाज के अधिकारों के प्रतिहरे के रूप में समाज और राष्ट्र दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, किंतु इस प्रकार की पत्रकारिता जिससे सामान्य ज्ञान नहीं बढ़ता न ही इससे आम आदमी के जीवन का कोई लेना देना है, समाज को सिर्फ हानि पहुँचाती है। यह व्यक्ति विशेष की निजी जीवन की अनुचित ताक झांक है जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के विपरीत है। प्रश्न है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? उत्तर है, इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर अत्यधिक नकारात्मक और हानिकारक प्रभाव डालती है। यह युवा पीढ़ी के चारों ओर चर्चित हस्तियों की जीवन शैली का ऐसा भ्रम जाल बुन देती है जिसमें उलझकर युवा पीढ़ी और आम जनता अपने लक्ष्यों को और कर्तव्यों से भटककर अपराध के दलदल में फंस जाते हैं। राष्ट्र को सही दिशा में चलाने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकारिता का प्रत्येक विषय समस्त नागरिकों के हित में हो, न कि लोगों को पथ भ्रष्ट करने के लिए हो। प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? उत्तर है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने सर्वप्रथम जॉर्ज पंचम की नाक के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर को खोजने का प्रयास किया। इसके लिए उसने देश भर में जा जाकर खोज की पर असफल रहा। वह पत्थर विदेशी था। उसने देश भर में घूमकर शहीद नेताओं की मूर्तियों की नाप का नाप लिया ताकि उनकी मूर्तियों में से किसी एक की नाक को जॉर्ज पंचम की लाट पर लगाया जा सके, किंतु सभी नाक अलग आकार की निकली।
इसके पश्चात उन्होंने 1942 में बिहार सेक्रेटरीट के सामने शहीद बच्चों की मूर्ति का नाप लिया, किंतु वे भी बड़ी निकली। अंत में उसने जिंदा नाक लगाने का निर्णय लिया। प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह पर कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे कथनों को छांटकर लिखिए। उत्तर है, मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले कथन निम्नलिखित हैं। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। दूसरा, मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की, चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है इसलिए मेरी राय है 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। किसी ने किसी से कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। प्रश्न है, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे, नाक इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि इससे संबंधित कई मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना। इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात लेखक ने विभिन्न बातों के द्वारा व्यक्त की गई है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी, ऐसे मौके में जॉर्ज पंचम की नाक ना होना उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। यह लोग विदेशियों की नाक को ऊंचा करने को अपने नाक का सवाल बना लेते हैं, यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का भारत के महान नेताओं और साहसी बालकों के सम्मान से भी ऊंचा था। प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लौट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। उत्तर है, यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं और साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत किया है। हमारे समाज में यह विशेष आदरणीय लोग हैं, इनका स्थान जॉर्ज पंचम से सहस्रों गुना बड़ा है। जॉर्ज पंचम ने भारत को कुछ नहीं दिया, परंतु इन्होंने अपने बलिदान व त्याग से भारत को एक नींव दी, उसे आज़ादी दी है, इसलिए इनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से सहस्रों गुना ऊँची।